नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में तीसरी बार बन रही आपकी सरकार, आप 58 भाजपा 12 सीटों पर चल रही आगे। दिल्ली में दूसरी बार कांग्रेस का नहीं खुल रहा खाता, 27 सीटों पर है महज 1000 वोटों का अंतर। ओखला सीट से आप प्रत्याशी अमानतुल्लाह खां चल रहे हैं पीछे, खाली नजर आ रहा शाहीन बाग का धरना स्थल। आप पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा, लग रहे नारे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं मफलरधारी। सीएम केजरीवाल ने आपकी जीत पर कार्यकर्ताओं से की अपील, बोले चुनाव जीतने के जश्न में कार्यकर्ता ना चलाएं पटाखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली रागिनी नायक, कहा पार्टी को आत्ममंथन और वोटरों की वापसी का करना चाहिए प्रयास। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में अमित शाह के संदेश का लगा पोस्टर, लिखा चुनावी पराजय से निराश नहीं होते भाजपा कार्यकर्ता। चुनावी नतीजों पर बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, कहा मैं नर्वस नहीं, परिणामों को करूंगा स्वीकार। रामनवमी के बाद फिर शुरू हो सकता है पत्थर तराशी का कार, घिसाई के लिए अहमदाबाद से आएंगे कारीगर। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 4008 से ज्यादा आए नए केस। पदोन्नत में आरक्षण को लेकर संसद में विपक्ष की मांग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्याचिका दाखिल करे केंद्र सरकार। भाजपा ने संसद में सांसदों के लिए जारी की व्हिप, सभी सांसदों को बजट सत्र में मौजूद रहने का दिया फरमान। भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली देगा अमेरिका, 1.86 अरब डॉलर का दोनों देशों के बीच हुआ है सौदा। भारत की यात्रा पर पत्नी मेलानिया संग आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, 24 और 25 फरवरी को भारत अमेरिकी संबंधों को देंगे मजबूती। पीएम मोदी ने दिसंबर 2019 में ट्रंप को भारत आने का दिया था न्योता, अमेरिका में मोदी हाउडी कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने की थी मुलाकात। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर रामविलास पासवान ने की बैठक, 6 केंद्रीय मंत्रियों सहित 50 एससी एसटी सांसदों ने लिया हिस्सा। पासवान की बैठक में मंत्री और सांसदों ने आरक्षण पर बनाई रणनीति, कहा पार्टी लाइन से ऊपर एससी और एसटी के लिए आएंगे एक साथ। कर्नाटक में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, एसटी सोमशेखर को सहकारिता और शिवराम को मिला श्रम मंत्रालय। रमेश जरकिहोली को मिला मनचाहा सिंचाई मंत्रालय, श्रीमंत पाटिल को टेक्सटाइल और डॉक्टर सुधाकर को मिला मेडिकल विभाग। सीबीएसई परीक्षा की कॉपियों का कई स्तर पर होगा परीक्षण, चेयरमैन अनीता ने कहा शिक्षक मूल्यांकन देंगे विशेष ध्यान। शेयर बाजार के खुलते ही सेंसेक्स में दिखाई दिया बड़ा उछाल, 400 अंकों के उछाल के साथ निफ्टी में दिखी तेजी। भारत के भगोड़ा विजय माल्या पर आज से लंदन में होगी सुनवाई, लंदन के हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार 3 दिन होगी बहस। नए सुरक्षा फीचर के साथ फिर से आएगा 1 रुपए का नया नोट, वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना में रुपए से ज्यादा बताई गई कीमत। यूपी के बुलंदशहर भूमि घोटाले की सीबीआई ने शुरू की जांच, कई आईएएस और पीसीएस अफसरों पर कस सकता है शिकंजा। चिदंबर ने फारूक और मुफ्ती के गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बोले गिरफ्तारी का आधार तैयार करने वालों पर हो कार्रवाई। पूर्व वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को बताया फेल, बोले आईसीयू में जूझ रही अर्थव्यवस्था, सरकार इलाज करने में नाकाम। राजस्थान के विधायकों को 29 फरवरी तक खाली करने होंगे आवास, सरकार ने नवनिर्मित विधायक आवासों का शुरू किया आवंटन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने योजना पर उठाया सवाल, बोले राजस्थान बजट सत्र के बीच विधायक कैसे बदलेंगे आवास। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का मुसलमानों पर हमला, बोले देश के 80% मुसलमान भाजपा के हैं कट्टर दुश्मन। कमलनाथ सरकार ने 52 आईपीएस अधिकारियों को किया तबादला, राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया कदम। जामिया आगजनी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आगजनी करने वालों पर घोषित किया 1,00,000 का इनाम। सीबीआई ने नोएडा अथॉरिटी के यादव सिंह को किया गिरफ्तार, इंजीनियर के तौर पर तैनाती के दौरान लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप। 29 सालों के बाद मुंबई बम धमाकों के आरोपी की हुई गिरफ्तारी, पाक पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट से दबोचा गया मुनाफ हलारी। गुजरात एटीएस ने मुंबई से दुबई भागने के दौरान किया गिरफ्तार, 1993 के सीरियल बम धमाकों में फरार चल रहा था हलारी। सीएम योगी ने शिक्षकों को विदेशी भाषाएं सीखने की दी सलाह, बोले विदेशी भाषा का ज्ञान लेकर शिक्षक छात्रों को बनाए मजबूत। सी रक्षा के पीएम महिंदा राजपक्षे ने मोदी सरकार की तारीफ, बोले गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट है शानदार।
सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मिर्जापुर के पूर्व डीडीओ बंसीदास सरोज को किया निलंबित। सीएम योगी ने डीएसपी प्रकाश राम आर्या को किया बर्खास्त। पीटीएस मेरठ में तैनाती के दौरान लगे थे कई गंभीर आरोप। यूपी कैबिनेट की सीएम योगी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। नमामि गंगे और पेयजल सहित कई योजनाओं पर लग सकती है मुहर। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा अपना हेलीकॉप्टर। एक्सप्रेसवे के कामकाज की जांच के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। रतलपुरी की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित। 27 अप्रैल के बाद हाई कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई। सीताराम येचुरी ने फ्रांस की महारानी मेरी से की भाजपाइयों की तुलना। बोले गरीबों की मजाक उड़ाने में महारानी से आगे निकले पार्टी के नेता। सीए एनआरसी का विरोध कर रहे कन्हैया के काफिले पर नवादा में हमला। बिहार दौरे के दौरान फेंके गए अंडे और मोबिल। इंडिगो के पायलट पर लगा महिला से अभद्रता का आरोप। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 3 महीने के लिए रद्द किया लाइसेंस। आयुर्वेदिक संस्थानों को मिल सकता है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा। लोकसभा में पेश हुआ विधेयक। हेमा मालिनी ने की थी तीर्थ विकास मंत्रालय बनाने की मांग। बोली देश में पवित्र स्थलों के विकास के लिए सरकार उठाए कदम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड जीता टॉस। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए किया आमंत्रित। केएल राहुल ने शतक और श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 297 रन का लक्ष्य। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में लड़ाई करने वाले 5 खिलाड़ियों पर कार्रवाई। 3 बांग्लादेशी और 2 भारतीय खिलाड़ियों के नाम है शामिल। अमेरिका की वाइल्स बनी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी। फिटनेस इन वर्ल्ड की सूची में 5वें पर खिसके रोनाल्डो। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद।